ओके नाउ स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द क्लास. नाउ टुडे वी विल डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ बैटरी. तो जो बैटरीज हैं वो आजकल हमारे जो हमारी लाइफ है उसका इंटीग्रल पार्ट बन चुकी हैं. हमारे घर में जो हम अपने रिमोट में हमारा टीवी का रिमोट है या हमारा सीडी प्लेयर का रिमोट है ओके और उसके अलावा हमारे जो एसी का रिमोट है वो सब में क्या डलता है, सबके अंदर डलता है ड्राई सेल. और जो हमारे घर में इन्वर्टर है, हमारी गाड़ी के अंदर जो बैटरी है, क्लियर, और वो जो बैटरीज हैं वो सब सेकेंडरी बैटरी हैं. तो बैटरी का मतलब क्या है, बैटरी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. तो बैटरी का क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. बहुत सारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं क्या हैं, बहुत सारे क्या हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनका क्या है जो कॉम्बिनेशन है, क्लियर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बैटरी. क्या नाम उसका, बैटरी. गेट दैट पॉइंट और नॉट. तो बैटरी का मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. तो इसमें जो प्राइमरी बैटरीज है, क्या जो प्राइमरी बैटरी हैं, ये बैटरीज वो बैटरी हैं विच कैन नॉट बी यूज अगेन. एक बार वो खत्म हो जाएं तो उनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब उनकी रिचार्जिंग पॉसिबल नहीं होती. उनको बोलते हैं हम प्राइमरी बैटरीज. क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स और प्राइमरी बैटरी. कौन कौन से हैं, आपके आपने की जो रिस्ट वॉच है उसे बटन सेल होते हैं, मर्करी सेल एक तो वो है, दूसरे ड्राई सेल है जो आपके रिमोट के. तो ये जो सेल हैं, जो आपका जो ड्राई सेल है उसकी जो बाहर की कवरिंग है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है जिंक कंटेनर की. ठीक है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है निप्पो, ड्यूरासेल और एवरेडी वगैरह, जो भी कंपनी का नाम है. लेकिन उस प्लास्टिक की कवरिंग के नीचे क्या होता है, एक जिंक का क्या होता है, जिंक की स्ट्रिप होती है. और ऊपर जो बटन लगा होता है, ये जो बटन लगा होता है किसका लगा होता है, ये मेटल कैप होती है. और मेटल कैप के बिल्कुल नीचे एक ग्रेफाइट की रॉड होती है. क्या होती है, ग्रेफाइट की रॉड होती है. मेटल ग्रिप के बिल्कुल नीचे क्या होती है, ग्रेफाइट की रॉड. आर यू श्योर? तो जो ग्रेफाइट की रॉड है, ये जो सेल है पेंसिल सेल के, ड्राई सेल के बारे में, तो बाहर का जो कवरिंग है किसका है, ये जो है मर्करी का सेल है. जो हमारे पास ड्राई सेल है, ड्राई सेल के में क्या होता है, बाहर की कवरिंग जिंक की होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर जड़ा होता है जिसके ऊपर निप्पो वगैरह लिखा होता है. और जो बटन है, ये लिखा ना मेटल कैप, जो बटन है बटन के नीचे ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है, ये लिखा ना कार्बन कैथोड, ये एक्चुअल में क्या है, ग्रेफाइट की रॉड है. क्या बेटा, ये ग्रेफाइट की रॉड है. श्योर अबाउट दैट? ये जो ग्रेफाइट की रॉड है उसका फायदा क्या होता है, ये कनेक्टर है. तो कैथोड, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो कनेक्टर है यहां पे, तो कैथोड का काम करती है. बिल्कुल जहां ग्रेफाइट की रॉड होती है उसके साथ साथ पिसा हुआ कोयला होता है, उसमें हल्का सा क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, कहते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है. क्लियर? ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है और जो पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, साथ में थोड़ा सा जिंक क्लोराइड भी होता है, ये सब मिलके क्या बनाती है, इलेक्ट्रोलाइट बनाती है सेल का. तो सेल में क्या होता है, जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन. जो बाहर की कवरिंग है जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, उसके नीचे मेटल की जो शीट है वो जिंक की बनी होती है, जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन. और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो आपके आपने लिया ना अमोनियम क्लोराइड जो पेस्ट ली है, उसके साथ हल्का सा MnO2 भी है. तो MnO2 जो है वो +4 से किसमें जाता है, +4 से +3 में चले जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, पेस्ट के अंदर जो MnO2 है वो +4 से +3 में जाएगा, तो ये रिडक्शन हो गया. और जो आपका जिंक है वो 0 से +2 में, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया. क्लियर आपको ये बात? तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है. तो ये क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन इन ए ड्राई सेल.
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसको अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है। और जो यहाँ पर अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, ये अमोनिया गैस जिंक आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है। क्या बनाती है? जिंक आयन के साथ क्या बनाती है? कॉम्प्लेक्स बना लेती है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है सेकेंडरी बैटरी। क्या है ये? सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी वो बैटरी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं कि एक बार यूज किया है, एक बार हमने इसको अगर यूज किया है, एक बार इसको हमने यूज कर लिया है, तो उसको दोबारा कर सकते हैं, दोबारा हम यूज, इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी बैटरी। क्या बोलते हैं इसको हम? सेकेंडरी बैटरी। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो जो आपके कोर्स में बैटरी है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। कौन सा है? आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है, आपकी जो गाड़ी में, जो आपकी कार है, ठीक है, उसमें लगी जो बैटरी है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, बाइक में और स्कूटर में भी थोड़े छोटे वोल्ट की बैटरी होती है, लेकिन ये बैटरी उनमें भी होती है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर हमारे पास जो कैथोड और एनोड है उस पर ये रिएक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट यहां पे यूज होगा वो इलेक्ट्रोलाइट होगा 38% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी डेंसिटी क्या होती है? 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, जो लेड की रॉड्स हैं, दे आर एक्टिंग एज व्हाट? जो लेड की रॉड्स हैं दे आर एक्टिंग एज एनोड, उन वो इलेक्ट्रॉन देंगी, और लेड रॉड्स हैं फिल्ड विद लेड डाइऑक्साइड। लेड रॉड फिल्ड विद व्हाट? लेड डाइऑक्साइड। वो काम करती हैं किसका? कैथोड का। जो बिल्कुल ब्लैक कलर है यहां पे देखिए, जो ब्लैक कलर वाली है ये यहां पर क्या है? यहां पर कैथोड है। इसमें क्या है? लेड के रॉड के अंदर फिलिंग डाली हुई है किसकी? लेड डाइऑक्साइड की, PbO2 की। तो PbO2 जो है वो +4 से +2 में जाता है और बन जाता है PbSO4। और जो यहां पर हमारे पास लेड रॉड है जो थोड़े से हल्के से आपके कलर में दे रखी है, वो यहां पर क्या है? वो है यहां पर एनोड। आर यू गेटिंग दैट और नॉट? तो जो एनोड और कैथोड है दोनों पर प्रोडक्ट सेम बनता है, दोनों पर प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है लेड सल्फेट। क्या बनता है? लेड सल्फेट। और मेजर बात है, लेड सल्फेट स्टिक टू बोथ कैथोड एंड एनोड। जो लेड सल्फेट है वो कैथोड और एनोड पे चिपक जाता है। क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? अब इसमें जब इसको हम बोलते हैं, ये जो रिएक्शन है इसको कई बार बोलते हैं डिस्चार्जिंग। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जब बैटरी कंज्यूम हो रही है तब ये, ठीक है। तो ये कब होता है? मान लीजिए आपके घर में लाइट नहीं आ रही, फिर भी आपका पंखा या टीवी और आपका जो लाइट है वो ऑन है, तो कैसे है? क्योंकि ये रिएक्शन चल रहा है बैटरी के अंदर। जो आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगी होती है, बैटरी में ये रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। तो बैटरी का जो हमारे पास केमिकल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट होती है, इन्वर्टर उसको फैसिलिटेट करता है आप तक पहुंचाने में। क्लियर? तो लेड यहां पर क्या होगा? लेड जो है इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू व्हाट? लेड इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू लेड सल्फेट ऑक्सीडेशन में। ये किस पर होगा? एनोड पे होगा। और लेड डाइऑक्साइड की जो स्पॉन्जी मटेरियल होता है वो लेड रॉड की खोखली रॉड में डाला जाता है, वो +4 से +2 चले जाता है। तो दोनों के दोनों जो हैं इलेक्ट्रोड पे चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? सेल की रिचार्जिंग होती है। जब लाइट ऑन होती है तो आपने देखा होगा इन्वर्टर, फिर आपने देखा होगा इन्वर्टर दोबारा रिचार्जिंग शुरू होती है। वो रिचार्जिंग क्या है? ये रिएक्शन है कि दोनों रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं। और आपने देखा होगा आप या आपके पापा कभी कभी क्या डालते हैं उस लेड स्टोरेज बैटरी में, बैटरी के अंदर क्या बैटरी वाटर बोलते हैं उसको, यहां जिसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, वो डालते हैं। कारण क्या होता है? ये देखिए, ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें वाटर इज वन ऑफ द क्या है? रिएक्टेंट है। तो रिचार्जिंग में क्या होता है? यू हैव टू एड लिटिल बिट ऑफ वाटर, सो दैट व्हाट हैपेंस, जो लेड सल्फेट चिपकी हुई है कैथोड और एनोड पे, वो वापिस जाके वही रिएक्टेंट बन जाए। तो जो PbSO4 है, तो जो रिचार्जिंग के रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोलिसिस है, और जो डिस्चार्जिंग के रिएक्शन है वो क्या है? वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल है। समझ आइए आपको बेटे? डिस्चार्जिंग वाला जो केस है, ये जो चेन है, ये किसके हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल है। और जो रिचार्जिंग है
वो इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज अ केमिकल चेंज। तो जो बैटरी दोबारा रिचार्ज होती है वो बाहर से सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए जब क्लियर आपको ये बात, गाड़ी के अंदर घरों में तो आपने देखा होगा बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके पास, ठीक है, लेकिन गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में क्या होता है, एक अल्टरनेटर लगा होता है। तो जब गाड़ी चलती है तो अल्टरनेटर क्या करता है, अल्टरनेटर का काम होता है बैटरी को दोबारा क्या करना, रिचार्ज करना। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर, वेरी गुड। तो ये रिचार्जिंग का लिखा हुआ है, ठीक है, कि धीरे धीरे पानी जो है उड़ता रहता है, ये यहां पे लिखा हुआ है, धीरे धीरे पानी क्या जो है उड़ता रहता है यहां से, तो उससे क्या होता है आपके पास क्या होता है, तो आपको पानी डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है आप अपने ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर। हाँ जी, अब हम बात कर लें कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजी की। जो फ्यूल सेल है वो समझ लीजिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी, हालांकि ये टेक्नोलॉजी है, ये अवेलेबल है हमारे करीब करीब 1960s में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, लेकिन अब तक ये टेक्नोलॉजी है इतनी सस्ती नहीं हो पाई कि उसको हम हैंडल कर पाए अपने डोमेस्टिक लेवल पे। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, ये फ्यूल सेल जो होंगे यही एनर्जी का सोर्स होने वाले हैं, बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, बड़े बड़े यूनिट्स, ये सब आप, मतलब ये बात कर रहा हूं मैं करीब करीब आज से 100 साल बाद की, ठीक है ना, कि उस समय क्या होगा, हर घर अपने आप में क्या होगा, एक इंडिविजुअल फायर सॉरी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर होगा फ्यूल सेल। तब तक अब तक मटेरियल इतना सस्ता नहीं हो पाया, जो इलेक्ट्रॉड्स हैं जो फ्यूल सेल में यूज होती हैं वो प्लैटिनम की होती हैं, तो प्लैटिनम बहुत कॉस्टली है, तो अभी तक इसको रिप्लेसेबल नहीं हो पाया प्लैटिनम, क्योंकि कॉस्टली है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए इन बैटरीज को जो बनाना है बड़ा ही कॉस्टली अफेयर है, और क्योंकि जो भी कॉस्टली होगी उसकी मेंटेनेंस भी कॉस्टली हो जाती है, इसलिए जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए फ्यूल सेल जो है वो अभी तक आज की डेट में इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो आने वाले टाइम है उनमें फ्यूल सेल एज मोर एंड मोर गुड मटेरियल विल बी डेवलप। जो फ्यूल सेल है वो आने वाले जो जिसको समय बोलते हैं उसमें सच्चाई होगी। तो ये जो फ्यूल सेल आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ जो आपके कोर्स में है, उस वो फ्यूल सेल है जिस फ्यूल सेल में क्या है, जो फ्यूल सेल यूज होता है एस्ट्रोनॉट्स जो यूज करते हैं, मतलब जो यूज करते हैं जब कोई जो एस्ट्रोनॉट्स हैं आउटर स्पेस में जाते हैं, तो उनकी जो स्पेस आउटर स्पेस जो एरोस्पेस जो लेके जाती है उनको बाहर, उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं दे आर वर्किंग ऑन व्हाट, दे आर वर्किंग ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है प्लैटिनम रॉड की प्रेजेंस में, और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जो वाटर है वो पीने के काम आता है। इसमें क्या हुआ, ये नॉन पोल्यूटिंग नेचर का हो गया। फ्यूल सेल क्या है, नॉन पोल्यूटिंग नेचर का है। क्या है, नॉन पोल्यूटिंग इन नेचर। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसमें होगा क्या, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट यूज इज एक्वस क्यूएच और एनओएच। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस को सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई को किया जाता है कैथोड पे और हाइड्रोजन की सप्लाई को किया जाता है एनोड पे। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दे कंबाइन टुगेदर टू गिव यू वाटर। ये बहुत इफेक्टिव है और मैंने जैसे को बोल दिया है स्पेस शटल्स में यही होता है। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के सिलेंडर को कंट्रोल में करना बड़ा, मतलब वो कंट्रोलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो हाईली कम्बस्टेबल गैस है, ठीक है। तो इसलिए इसको डोमेस्टिक, मतलब हम जिसको बोलते हैं ना आप लोग सामाजिक तौर पे, सोशली इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही क्या है ये एक्सप्लोड होने के चांस ज्यादा होते हैं और इजिली कम्बस्ट हो जाती है। तो इसलिए साइंटिस्ट लगा रहे हैं कि कुछ ऐसे ही जैसे ब्यूटेन है, मीथेन है, इथेनॉल है, ऐसी चीजें जो इजिली कम्बस्टेबल नहीं होती उनको रिप्लेस किया जाए। तो आजकल जो है वो है हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल्स है, उसमें क्या होता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करवाया जाता है, और वो जो हाइड्रोकार्बन है बर्न होकर CO2 बनती है। इसका क्या हुआ, जो हाइड्रोकार्बन हुआ क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इट विल बी ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो एनोड बनेगा,
और जो ऑक्सीजन गैस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और क्या होगी, वो कैथोड भी होगी। नेट सेल रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड H2O। ये जो सेल है इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत जबरदस्त है, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच, मतलब क्या हुआ, गिब्स एनर्जी डिवाइड बाय हीट अवेलेबल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज डेल्टा एच। इन दोनों का जो रेशियो है वो है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज मच मच मोर ग्रेटर देन ए हीट इंजन, जो आपने पढ़ा है जिसके अंदर हीट इंजन के बारे में, तो हीट इंजन के मुकाबले में क्या है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो जो फ्यूल सेल है इसके बारे में भी आपने, तो ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी एंड फ्यूल सेल, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा ध्यान देने का टॉपिक है ये, ओके। इनकी जो कैथोड और एनोड पर रिएक्शन हैं इनको मेमोरी में लाना जरूरी है, क्योंकि इनके कैथोड और एनोड के रिएक्शन कई और पूछे जाते हैं आपसे, ओके श्योर। हाँ, तो ये वेरियस एडवांटेज और लिमिटेशंस हैं फ्यूल सेल के। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये कंटिन्यूली वर्क कर सकता है, ठीक है ना, कंटिन्यूली क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, और इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत हाई होती है। क्लियर निकली आपको ये बात। लिमिटेशंस क्या है कि इसके कैटलिस्ट बड़े कॉस्टली हैं। दूसरा क्या है, गैसेस को जो क्या करना है, गैसेस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा क्या है, जिनके इलेक्ट्रोलाइट हैं NaOH और KOH है क्रोसिव, मतलब दे अटैक द स्किन, क्रोसिव नेचर के होते हैं, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्रोजन क्या है, देखिए क्रोजन है प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे व्हाट, प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे व्हाट, प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ द मेटल। मेटल का धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, सल्फर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर वेपर्स, तो ये वाटर वेपर्स है या किसी लिक्विड के वेपर्स है, वो सब होता है। आपने देखा होगा कई बार आपके एसी के जो पाइप है उसमें हल्के छेद हो जाते हैं, कारण क्या होता है, वो जो एसी के पाइप है वो कॉपर के बने होते हैं, तो एयर के अंदर जो सल्फर और कार्बोनेट है वो रिएक्ट कर जाता है कॉपर, क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट, या बनता है कॉपर सल्फाइड। तो उससे क्या होता है, आपके एसी के जो पाइप है जो आउटर से जुड़े होते हैं, क्योंकि आउटर जो है बाहर लगी होती है खिड़की के बाहर, और जो आपका यूनिट है वो अंदर लगी होती है कमरे के अंदर, तो वहां तक जो गैस को लेके जाना और लेके आना है वो कॉपर पाइप से होता है। तो अगर कॉपर पाइप, कॉपर जो है सल्फर से या कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बोनेट से या मॉइस्चर से रिएक्ट करे तो क्या बनाता है उसका, बेसिक कॉपर कार्बोनेट या फिर कॉपर सल्फाइड। तो जब ये रिएक्शन होंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन होने से कॉपर वहां से हट जाएगा और हल्का सा छेद हो जाएगा, और इतना छेद काफी होता है गैस के निकलने का। इसलिए जो आपके गैस को वो जो ठीक करने वाले होते हैं आके आपके गैस के पाइप के ऊपर हल्का सा करते हैं, वो आपकी वेल्डिंग वगैरह करते हैं। आपने देखा भी होगा आपके घर में ये जो ऐसे एसी के पाइप होते हैं इनके ऊपर हल्का सा रबड़ चढ़ा होता है, क्यों चढ़ा होता है, ताकि जो एटमॉस्फेरिक एजेंट है वो कॉपर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए। क्लियर आपको ये मेरी बात, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब आयरन तो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्ट है, राजनीति जिनके है हमारा घर जो है, हमारे जो जिन सड़कों पे, ब्रिजेस पे, पुलों पे हम चलते हैं, सब आयरन रॉड से बनाए जाते हैं। तो अगर आयरन में, अगर आयरन का जो ऑक्साइड बन जाए तो आयरन में जंग लग जाए, जिसको आप रस्टिंग बोलते हो, तो फिर तो वो जिन घरों में हम रहते हैं, जिन ब्रिजेस पे चलते हैं, उन पर चलना बड़ा डेंजरस हो जाए। क्लियर नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आयरन में रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्रोजन जो है वो क्या है, स्लोली ईट अवे ऑफ द मेटल एटम बाय द एटमॉस्फेरिक एजेंट। क्लियर है, और जो इसमें जो हमें इस कोर्स में हमें सिर्फ जो है वो है सिर्फ रस्ट का एग्जांपल है, और किसी का एग्जांपल नहीं है कि रस्ट क्या होता है। तो रस्ट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर आपको ये मेरी बात, तो ये आपको समझना चाहिए। अब बात यह है कि इस ये जो बनता है ऑक्साइड ना, ये अपने मेटल के साथ चिपकता नहीं है, जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्साइड जब बनता है ना तो मेटल के साथ चिपक जाता है, जिससे क्या होता है उसका फर्दर रिएक्शन बंद हो जाता है। इसलिए एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का बनना क्या करता है, एल्यूमिनियम को फर्दर अनरिएक्टिव कर देता है, लेकिन
जो आयरन का ऑक्साइड जब बनता है वो मेटल के साथ चिपकता नहीं है, उल्टा पाउडर बन जाता है। तो इसलिए क्या होता है, वो फर्दर रिएक्शन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आर यू श्योर? हाँ जी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। तो जो मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन है इसमें क्या होता है, जो आयरन की सरफेस है, आयरन की सरफेस ही काम करती है एनोड का, आयरन की सरफेस ही काम करती है कैथोड का। मतलब जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये ऐसे एग्जांपल है कि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान अगर आ जाए तो हमें उसको चाय कॉफी बनानी पड़ती है ना। जैसे कि आपके घर में मान लीजिए आपके अंकल आए या आपके मामा जी आए, तो क्या करेंगे आप? आप मामा जी को चाय पिलाएंगे, रसगुल्ले खिलाएंगे, फिर उनको खाना खिलाएंगे, बिरयानी वगैरह खिलाएंगे, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएंगे, ठीक है ना? क्यों, वो मेहमान है घर में आपके। श्योर? तो ऐसे ही आयरन है, आयरन की जो ई नॉट वैल्यू है वो होती है -0.44 वोल्ट। अगर आयरन के पास कोई भी ऐसा आयन आए जिसकी जो वैल्यू है -0.44 से ज्यादा होगी तो आयरन को उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। आयरन जो है वो होस्ट है और वो जो आने वाला आयन है वो गेस्ट है, तो गेस्ट को चाय पानी मिलाना पड़ेगा। तो यहां पर चाय पानी क्या है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या हो गया, आयरन की सरफेस पे अगर कहीं पर भी एच प्लस आयन हो जाए, याद रखिए जो आयरन है वो ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, आयरन रिएक्ट विद ओनली वाट, मॉइस्चर। क्लियर नहीं क्लियर, ये बात समझ लीजिए। क्लियर? तो आयरन क्या करता है, अगर आयरन की सरफेस पे किसी भी तरीके से एच प्लस आ जाए, ठीक है, तो आयरन को उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेगा। रीजन क्या है, एच प्लस की ई नॉट वैल्यू क्या होती है सबको पता है, जीरो वोल्ट्स, और आयरन कितनी होती है -0.44। तो माइनस इज लेस देन दैट ऑफ जीरो, तो क्या होगा, आयरन विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू व्हाट, थ्रू दैट एच प्लस। तो बस इतना सिंपल सी कहानी है और कुछ नहीं, कि जो एच प्लस नाम का जो मेहमान है वो आयरन की सर्फेस पे आ गया। तो होता कैसे है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या मॉइस्चर है वो क्या होती है, आयरन की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है। क्लियर? तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स यू व्हाट, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो H2CO3 है एक्सीलेंट सप्लायर ऑफ एच प्लस, क्योंकि वो एसिड है। तो जो एच प्लस है इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होम, एच प्लस विल एक्सेप्ट फ्रॉम आयरन, और क्या बन जाता है एच, और जो एच है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके दोबारा और पानी बनाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया, एच प्लस बनता जाएगा और आयरन इलेक्ट्रॉन देता जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, आर यू श्योर अबाउट दैट? तो हमें क्या करना है, हमें उसको प्रिवेंट करना है। क्या करना है उसको, प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंट करेंगे बैरियर प्रोटेक्शन देंगे। मतलब क्या करेंगे, जो मेटल की सरफेस है उस पर हम पेंटिंग कर देंगे। क्लियर नहीं क्लियर, या मेटल की जो सरफेस है उस पर हम कोटिंग कर देंगे किसी और मेटल की, या फिर मेटल पेंटिंग कर देंगे, ग्रीस लगा देंगे या ऑयल लगा देंगे। क्लियर नहीं क्लियर, तो ये सब चीजें, या फिर क्या करेंगे, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है? तो ये सब चीजें आपने ध्यान से देखनी है। आयरन की सरफेस पे हमने कभी भी क्या नहीं करना है, एच प्लस को नहीं आने देना बस। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये सिंपल सी बात आपने माइंड में याद रखनी है। इसलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट वाला जो पानी में सॉल्ट ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, उसके द वाटर कंटेनिंग वाट इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें जो आपका क्रोजन का रेट है बढ़ जाएगा इन कंपेरिजन टू प्योर वाटर। क्लियर आपको मेरी बात? श्योर? नाइस। आपने देखा होगा आपके घर में क्या है, आपके घर में चाबी होगी, जो अलमारी की चाबियां होंगी, आपके घर में आपके आपके पापा की बाइक का या कार की कीज होंगी, ठीक है, और दरवाजों के हैंडल होंगे। क्लियर है? बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्या होंगी, गैल्वेनाइज आयरन, क्या होती है वो, गैल्वेनाइज आयरन होता है। तो गैल्वेनाइज आयरन में क्या होता है, गैल्वेनाइज आयरन के अंदर हम आयरन के ऊपर क्या करते हैं, आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो जब तक आयरन के ऊपर जिंक रहेगा तब तक आयरन की ऑक्सीडेशन का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जिंक की वैल्यू है -0.76 वोल्ट, जो कि आयरन की -0.44 से कम है। ठीक है? तो इसका मतलब जब तक जिंक का एक भी एटम रहेगा आयरन बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब तक जिंक रहेगा आयरन की सरफेस पे आयरन विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये एक तरीका होता है क्या,
सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का, कि हमने सैक्रिफाइस कर दिया किसी और को और आयरन को बचा दिया। ऐसे क्या करते हैं जो पुराने टाइम में, अब तो खैर घी जो है अपने पैकेजिंग दूसरे में आता है, पहले जो घी है कनस्तर में आता था, टिन के डब्बे बोलते थे, जो आयरन के डब्बे होते थे उनके ऊपर टिन की कोटिंग होती थी, ठीक है ना। तो टिन जो है वो भी करते हैं, टिन इज आल्सो व्हाट, टिन इज आल्सो प्रोटेक्ट द आयरन। और लास्ट में है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, ये बेसिकली अंडरग्राउंड पाइप के लिए होता है, अंडरग्राउंड जो पाइप्स हैं उनके साथ मैग्नीशियम की तारें बांध दी जाती हैं और मैग्नीशियम के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं। रीजन क्या होता है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन होम देन आयरन। तो क्या होगा, जब भी ऑक्सीडेशन की बारी आएगी आयरन विल लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, सॉरी मैग्नीशियम विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड आयरन विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर गलती से कोई Fe2+ बन भी जाता है मेटल की रॉड पे, तो मैग्नीशियम उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करवा के दोबारा से आयरन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए वहां पर वायर भी बन जाती है, क्या बन जाती है, वायर भी बन जाती है। और लास्ट तरीका क्या है, यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि एसिडिक मीडियम के अंदर हमारे पास खराब होता है जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, तो क्या करते हैं उनको एंटी रस्ट, जो कि बेसिक मीडियम होता है जैसे सोडियम फॉस्फेट है, ठीक है ना, या सोडियम आपका आर्सेनेट है, उनके अंदर इसको लगा दिया जाता है आयरन की रॉड्स को। उससे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशन प्रोटेक्शन। क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम के अंदर आयरन में रस्टिंग नहीं होगी। अच्छा, एक बात आपको यहां पे ये भी जाननी है, वो क्या है कि अगर मेटल जो प्रोटेक्शन आपने जिंक की है और टिन की है, जिंक वाले मटेरियल पे स्क्रैच आ जाए तो आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन जो टिन वाला केस है उसमें क्या होगा, अगर आपने कोटिंग टिन से की है तो वहां उसके ऊपर स्क्रैच आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने, क्योंकि जो टिन है इन्फीरियर मेटल है, मतलब सस्ता मेटल है आयरन के मुकाबले में, ठीक है नहीं, लेकिन अगर वहां पे स्क्रैच आ गए गलती से तो क्या होगा, उसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। रीजन क्या होगा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन टिन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द टिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो कैथोडिक प्रोटेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड जो गैस पाइप है, अंडरग्राउंड जो वाटर पाइप होते हैं या ऑयल ले जाने वाले पाइप होते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए होता है, एक मेटल की वायर के साथ मैग्नीशियम के साथ आयरन के पाइप को बांध दिया जाता है, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, अगर गलती से कहीं पर भी आयरन 2+ बन जाए, मतलब आयरन का आयरन बन जाए, तो मैग्नीशियम में करेगा उसको इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करवा देगा और रोक देगा आगे, क्या Fe2+ को वापस Fe बना देगा, आर यू श्योर अबाउट दैट, तो रस्टिंग रुक जाएगी, और रस्टिंग क्या होगी, रुक जाएगी। आर यू ओके विद द सिचुएशन, फाइन।